ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन, शिवन इस तरीके की चीजें पहले भी थी, लेकिन अब हमें लगता है कि आने वाले समय में हमको एक विकल्प के तौर पर इस पे काम करना ही होगा। सारे हालात सामान्य हो जाएंगे फिर भी हम इसकी तरफ बने रह सकते हैं, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट हो गया जो काफी स्ट्रांग भी है। आपको लगता है फैकल्टी को भी अब इसमें अपडेट करके इसको एक पूरे प्रोसेस को हमेशा के लिए आगे रखना होगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो कल्चर स्टार्ट हुआ है ये हम सभी पूरी यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी आई थिंक बहुत टाइम से चाह ही रही थी। हम लोग खुद बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि कैसे हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन एक वो इनर्शिया था, तो इस कोविड-19 ने वो उस इनर्शिया को ब्रेक कर दिया है। अब हम एक्चुअली, क्योंकि उसको करना ही पड़ा इसलिए हमने करना स्टार्ट कर दिया, एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू एक्चुअली डू। इससे हम उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो कि यूनिवर्सिटी आ नहीं पाते, मतलब हम उन तक पहुंच सकते हैं जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे यू नो कोर्सेज और ओपन यूनिवर्सिटी जो आपने बोला, ये सब भी बहुत नेसेसरी है। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑनलाइन के जरिए बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं और होने भी चाहिए, और ये तो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। शिवानी, आज की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, सही बात आपने कही कि अगर स्टूडेंट नहीं पहुंचते तो यूनिवर्सिटी ग्रुप्स खुद उन तक पहुंच जाता है ताकि शिक्षा उन्हें मिले, उनका विकास ना रुके।